हाय स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 से शुरुआत करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों की इसमें बैक आती है। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ वास्तविकता से वाकिफ़ करा रहा हूँ आपको। तो आप लोग कोशिश करना इसमें आप बैक ना लाओ, क्योंकि अगर आप बैक नहीं लाए तो ये आखिरी मौका होगा जब आप इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 पढ़ रहे हो। इसके बाद आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स ना ही फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप MSc फिजिक्स कर लो तो अलग बात है, पर आपको इसके बाद फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बैक वगैरह मत लाना और कोशिश करना एक ही बारी में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ क्विक रिवीजन चाहिए 12th के फिजिक्स के टॉपिक्स की, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कराऊंगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, एग्जांपल है टेम्परेचर। वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, एग्जाम्पल फोर्स, वेलोसिटी। स्केलर इंटू वेक्टर हमेशा एक वेक्टर आएगा लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे 5 × 3i इज इक्वल टू 15i, यहाँ पे 5 स्केलर है, 3i वेक्टर है और एक नया वेक्टर निकल के आ रहा है जिसकी मैग्नीट्यूड बदल गई है, इंक्रीज हो गई है। अगर कोई वेक्टर है a1 बार, वेक्टर को हम हमेशा इस तरीके से डिनोट करते हैं बार से, इस जिसको हम एरो बोलते हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक तरीके से मॉड के अंदर हम डाल देते हैं। और a1 बार की मैग्नीट्यूड होगी अंडर रूट ऑफ a² + b² + c², जो भी i, j और k कोफिशियंट्स थे। इसके बाद है वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये भी आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है। दो वेक्टर्स तभी ऐड हो सकते हैं जब वो हेड टेल अरेंजमेंट में लगे हों। हेड टेल का क्या मतलब है, जैसे कोई वेक्टर है ये, इसका ये जो एरो है ये हेड है और इसका ये जो एंड पॉइंट है ये टेल है, तो ये वेक्टर्स हेड टेल अरेंजमेंट में लगे होने चाहिए। अगर ये वेक्टर्स इस तरीके से लगे हैं, फॉर एग्जांपल कि दोनों का हेड आपस में है, तब ये लोग ये वेक्टर्स ऐड नहीं हो सकते। तो आप लोगों को इनको हमेशा हेड टेल इस तरीके से अरेंज कर लेना है, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हो हेड टेल में अरेंज है, तो इनका जो ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरीके से होगा, पहले वैक्टर की टेल से दूसरे वैक्टर की हेड की तरफ जाएगा, इसको हम वी बोल देते हैं। और वी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी वी की मैग्नीट्यूड, क्योंकि वी एक वैक्टर आएगा वैसे तो, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड होगी अंडर रूट ऑफ a² + b² - 2ab cos θ। ये सारे फॉर्मूले आपने 12th में पढ़े हैं, आप लोग एक बार फिर भी रिवीजन के लिए लिख लेना। इसके अलावा आप लोगों को एक और चीज़ पता होनी चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, ये कुछ बच्चों ने JE की तैयारी करते हुए पढ़ा होगा और कुछ बच्चों ने मैथ्स में पढ़ लिया होगा अभी, और आपकी अप्लाइड मैथ्स जो 2 है उसमें भी इसकी पार्शियल डेरिवेटिव की थोड़ी थोड़ी एप्लीकेशन, थोड़ी थोड़ी डेरिवेशन फार्मूले वगैरह हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को एक मैं बेसिक बता देता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव, और उतना ही बताऊँगा जितना आपको फिजिक्स के लिए ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप मान लो कि जैसे कोई z है x² y², अब आपको इस z को डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम इसको लिखते थे dz अपॉन और जिसकी भी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है वो लिखते थे। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है कि सबसे पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव को हम डेल से डिनोट करेंगे, डेल से गो ऐसे, डी ऐसे बनाना है आपको, डेल इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से। तो पार्शियल डेरिवेटिव को हम इससे डिनोट करेंगे। अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है जेड का, और एक्स और वाई दोनों में से किसी एक की रिस्पेक्ट में ये निकल सकता है, फॉर एग्जांपल हमें अगर एक्स की रिस्पेक्ट में निकालना है ऐसे, तो हम वाई को कॉन्स्टेंट मान लेंगे तो वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर के लिए जो नॉर्मल डेरिवेटिव होता है, नॉर्मल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x। इसी तरीके से अगर आपको डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना है, तो आप लोग क्या करोगे, एक्स को कॉन्स्टेंट मान लोगे तो एक्स तो बाहर आ जाएगा और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। अब हम लोग एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, जैसे इसका आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स करते हुए वाई तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, मतलब वाई का डेरिवेटिव 0 और एक्स का हो जाएगा 1, ऐसे ही डेल जेड अपॉन डेल वाई भी 1 होगा, क्योंकि एक्स का 0 हो जाएगा और वाई का 1 रहेगा। पार्शियल डेरिवेटिव का बस यही मतलब है। अब ये जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखा है, इसका मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आप लोगों ने सीख ही लिया है। अगर आपको इसका सेकंड ऑर्डर करना हो, तो जैसे इसका सेकंड ऑर्डर करना है तो हम इसको लिखेंगे डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अगर थर्ड ऑर्डर है तो इसको इस तरीके से डेल 3z अपॉन डेल एक्स क्यूब। नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल डेरिवेटिव के लिए लिखते थे, वैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव के लिए लिख रहे हैं। इसके अलावा अगर इस तरीके से लिखा है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब है कि पहले तो हमने z को y की रिस्पेक्ट में डिफरेंट पार्शियल डेरिवेटिव लिया, पहले y की रिस्पेक्ट में, मतलब डेल z अपॉन डेल y, और उसके बाद उसी का x में भी ले लिया बाहर, तो डेल अपॉन डेल x, इस पूरे का x की रिस्पेक्ट में भी ले लिया, और ये इक्वल होगा डेल 2z अपॉन डेल y डेल x के। मतलब चाहे पहले x की रिस्पेक्ट में ले लो, चाहे पहले y में ले लो, मतलब यहाँ x पहले था यहाँ x बाद में, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पहले x से ले लो चाहे y से ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको आप इसके इक्वल भी कर सकते हो कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट में ले लिया पार्शियल डेरिवेटिव, उसके बाद पूरे का वाई से कर लिया, इस तरीके से ये चारों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी। पार्शियल डेरिवेटिव में अगर आपको और जानना है तो आप मैथ्स के लेक्चर की वीडियोस देख सकते हो, और
इसके अलावा आप लोगों को ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव के में फिजिक्स के लिए। इसके बाद आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो फिजिक्स के सिलेबस के साथ। थैंक यू।